सुन ले सदा। अभी उस लड़की की ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। किस लड़की की मामा? अरे भाई आयशा की। हाँ मैंने भी नोट किया है। ताई अम्मी उस लड़की की बहुत तारीफें करती हैं। मेरी तो कभी नहीं की, ये तो हर वक्त डांटती रहती हैं। इसमें कसूर भी सिर्फ तुम्हारा है। मेरा? मैं तो समझती थी तुम अपने आप को बड़ा अकलमंद समझती हो, लेकिन तुम में होशियारी जरा सी भी नहीं है। मैंने कहा था तुम्हें कि भाभी के पैरों पे जेल लगा दो, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। अभी तुमने जेल लगाई होती ना तो सारी तारीफें तुम्हारी हो रही होती। सॉरी मामा, मुझसे ये सब काम नहीं होते। और किसी के पाँव पे हाथ लगाना, नो वे, मुझसे नहीं होता ये सब। बहुत बेवकूफ लड़की हो। मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ और तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। एक मिनट, मुझे ये बताएं मेरे फ्यूचर का ताई अम्मी से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी कॉल आ रही है। सना की कॉल। हेलो। हाँ सना, कैसी हो? अनुषा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मामा बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? लोग हैं। नेट क्यों नहीं चल रहा है अब? ये क्या करूं? सुबह असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। इस वक्त को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ असवर, जाग रहे हो? अनुषा जाहिर सी बात है जाग रहा हूँ, तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। अब नींद में तो बात करने से रहा। हाँ पता था मुझे, इसीलिए तुम्हें कॉल की है। खैर वो पता नहीं असवर, मेरा नेट नहीं चल रहा। मैंने बहुत देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद कोई एरर आ रहा है। प्लीज तुम आ जाओ, एक नजर देख लो। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो अच्छी बात है ना, सो जाओ, वैसे इतनी रात हो गई है। शट अप, तुम्हें पता है ना अगर नेट नहीं चला तो मुझे सुकून से नींद नहीं आएगी, और जब मुझे सुकून नहीं आएगा तो मैं सो कैसे पाऊंगी। इसीलिए चुपचाप आओ और आके देखो। ओह क्या मुसीबत है अनुषा, ना तुम दिन में सुकून लेने देती हो और ना ही तुम्हें रात में चाहिए। अच्छा ना मेरे प्यारे कजन, मेरे दोस्त नहीं हो? प्लीज आ जाओ। और तुम मुझे कभी इनकार कर सकते हो? नहीं ना, तो आ जाओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मस्का पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है, आ रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं इस लड़की के मसले सॉल्व करने आया। ये देखो अभी देखना, अभी देखना ये गिरेगा। मानूर ये वाला देखना।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेट हो गया ना, सुबह स्कूल है आपका, जाके कमरे में सोइए अभी। नहीं अभी नहीं, अभी मैं और जबेरी अभी तो टिकटॉक देख रहे हैं, उन्होंने डाउनलोड किए थे, बहुत अच्छे हैं। अजय आप भी है ना, बहुत बढ़िया हैं। जबेरिया आप पे कुछ नहीं होता, चली जाएगी ना, अभी टाइम ही क्या हुआ है। तुमने भी अपने शौक पे लगा दिया ना उसको, बहुत बुरी बात है, कितनी छोटी है वो। And Manur, you have just 15 minutes, okay? Okay. ये मेरा देखना, अभी देखना, ये देखो, इसमें से देख क्या? सुनो भाई, सुनो सुनो, क्या इनकी शादी हो जाएगी? हस्बैंड वो देखो, पता था इसकी एंट्री होगी यार। मुझे भी लग रहा था यार, इसको तो इसकी शादी हो गई है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा वक्त है इसके कमरे में आने का? वो मामा, वो इंटरनेट नहीं चल रहा था अनुषे का, तो मैं देखने आया था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि नेट अभी ठीक करना था? सुबह में भी तो ठीक हो सकता था। ओ टाइम ही वो दरअसल मुझे सुबह अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना था, बहुत ज़रूरी था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने अस्वत को बुलाया था ठीक करने के लिए। हाँ मामा, यही बात है, इंटरनेट देखने आया था। अनुषे नेट चेक करने के लिए सुबह भी बुलाया जा सकता था, ये कोई वक्त है इसको अपने कमरे में बुलाने का? माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी हो तुम, बिल्कुल गैर मुनासिब हरकत की है तुमने, हर बात तुम्हें समझानी पड़ेगी। अब हो गया ना ठीक? जी जी मैम। तो जाओ अपने कमरे में। ओके। उल्टी चप्पलें पहन रहे हो, नीचे देख के पहनो चप्पलें। ओ तायमी, कितने पुराने ख्यालात की हैं। भाड़ में जाए तो मुझे देखने I'm really sorry. मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको इतना बुरा लगेगा। यास्मीन, अब तुम्हारा बेटा माफी मांग रहा है, बात को खत्म कर। रात भर तुम सोई नहीं, इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात? महरम और ना महरम के दरमियान तीसरा शैतान होता है। यास्मीन, हमने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। शकील मैं जानती हूँ, हमने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन शैतान पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो बच्चों को बहका भी सकता है। अस्वद बेटे, मेरी किसी भी बात का गलत मतलब मत लेना, मैं तुम पर या अनुषे पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन बेटा एक बात जरूर है, अनुषे के साथ तुम्हारा इस तरह से बिला झिझक मिलना, दोस्ताना माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मामा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पता नहीं क्या सोच रही हैं। अस्वद बेटा, मैं जो भी सोच रही हूँ
मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी वही सोचे। अगर अनुषे को कोई काम था भी तो वो दिन में भी हो सकता था। आधी रात में उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। आइंदा मत जाना, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा की बात से ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना। भाई भाभी नाश्ता लग गया है, आ जाए। सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात। कुछ भी नहीं है, आप जाइए बस, हम आ रहे हैं। क्या जरूरत थी भाभी से कुछ कहने की? जब बेटे ने माफी मांग ली है तो इस बात को यही खत्म कर दो। अगर भाभी से कुछ कहोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चलो नाश्ता कर लो। एक सेकंड। अभिषेक है, पहली बात पानी उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से पीते, दूसरी बात खड़े होके नहीं बैठ के पीते, और तीसरी बात ये अल्लाह की नेमतों में से इसका शुक्र अदा करना चाहिए ना कि जाया करना चाहिए। तुम्हें पता अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कल तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगी उन्हें? खत्म कर। सॉरी आयशा, मैंने कभी ख्याल नहीं किया इस बारे में, आज से मैं ख्याल करूंगी। अल्लाह मुझे माफ करे। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। ये आपकी पसंद की कुकीज। क्या हुआ यास्मीन, क्या सोच रही हो तुम? मैंने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी क्यों ना हम अपने बेटे अस्वद की शादी कर दें। अस्वद की शादी? जी, यही तो उम्र है उसकी शादी की। अच्छा है, सही वक्त में उसकी शादी हो जाएगी और अस्वद की जिंदगी में ठहराव भी आ जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा, इसी बहाने हमारे घर में रौनकें आ जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी। बहुत अरसा हुआ कोई तकरीब ही नहीं। ये बताओ कोई लड़की है तुम्हारी नजर? जी, एक लड़की देख रखी है मैंने। कौन? अनुषा?
नहीं, आयशा बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे पसंद भी बहुत है। नेक सीरत आयश। मैंने आपसे कह दिया है, मैं किसी भी एक्स वाई जेड लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे शादी करोगे तुम? वो लड़की रानिया है। अपने दिल से रानिया का ख्याल निकाल दो। जिस्म से जान तो निकल सकती है अम्मी, लेकिन मेरे दिल से रानिया कभी नहीं जाएगी। इतनी बदकिस्मत हूँ मैं, जिसे चाहा उसे हासिल करके भी ना पा सकी। तुम ना अपना ऑफिस संभालो और हमजा को फ्री कर दो और उसे अपना घर संभालने दो। अम्मी आप सच कह रही हैं? चाची ने खुद बात की आप ही के लिए? हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। एहतशाम घर का बच्चा है, देखा भाला है, लेकिन कभी खुद से हिम्मत ही नहीं हुई उसको कुछ कहने की। आज उसने खुद से कह दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा छानबीन भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारी बेटी आयशा भी हमारी आंखों के सामने रहेगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, वो नाजिया कह रही थी कि आप आसिफ भाई से बात करके मुझे बता दीजिएगा। मशवरा क्या करना, घर की बात है। आप खवातीन आपस में तय कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या वहाँ पे आप इतनी खामोश क्यों? कुछ भी नहीं। अम्मी वो मैं और एहतशाम, मेरा मतलब है हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। देखो बेटा, जब शादी हो जाती है ना तो खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब मुझे और अपने अब्बू जी को ही देख लो, हम दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन माशाल्लाह से 25 साल गुजर गए और पता भी नहीं चला। माशाल्लाह, ये तो मेरी बर्दाश्त का कमाल है बेगम। अबू जी क्यों तंग कर रहे हैं अम्मी को? अरे बेटा, तंग कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरी मोहब्बत है तुम्हारी माँ के लिए। देख ले अम्मी। तो मैं नाजिया से कह दूँ कोई अच्छा सा दिन देखकर दोनों बच्चों की मंगनी कर देते? आयशा बेटा, क्या ख्याल है तुम्हारा? जैसा आपको और अम्मी जी को ठीक लगे। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये हुई ना बात, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्वत से बात की? अस्वत? हाँ, नहीं, मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। यास्मीन, तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। आयशा अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका खानदान, कुछ भी नहीं। शकील, आप ही तो कह रहे थे आप उसके घर गए थे, उसकी फैमिली से मिले थे, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, कहा था मैंने, वो एक महज मुलाकात थी, क्योंकि मैं आयशा के घर उसके बॉस की हैसियत से गया हुआ था।
जाहिर है सब लोगों ने बहुत इज्जत की, बड़े अच्छे तरीके से मिले, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है आयशा का ताल्लुक एक बहुत अच्छी फैमिली से। आपको उसके अखलाक उसकी तरबियत से नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बहू आयशा ही बनेगी। आयशा ही क्यों, और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं। शकील आप तो जानते हैं शुरू से मेरी दिली ख्वाहिश है मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बना कर लाऊं जो मेरे बेटे की जिंदगी बदल दे। उसके दिल में अपनी मोहब्बत के अलावा अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत डाल दे। और मेरा दिल कहता है ये काम आयशा बहुत अच्छे से कर सकती है। ऐसा करते हैं किसी दिन आयशा के घर चलते हैं, उसके वालदैन से मिलते हैं। मुझे पूरा यकीन है उसके वालदैन इनकार नहीं करेंगे। यास्मीन, पहले अस्वत से बात करो, आयशा से पूछ लें। यूं अचानक आयशा के घर रिश्ता लेकर जाना कोई मुनासिब बात नहीं। ऐसा करते हैं मैं अस्वत से बात करती हूँ, आप आयशा से बात कीजिए, जरा उसकी राय तो लीजिए, वो क्या चाहती है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हें क्या लगता है कि अस्वत आयशा से शादी करने के लिए मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, बेटा है वो मेरा, मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरी पसंद पर इनकार नहीं कर सकता। आप जानते तो हैं उसने हमेशा अपनी पसंद पर मेरी पसंद को तरजीह दी है, कैसे इनकार करेगा वो। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो इजाजत है मैं ऑफिस जाऊं। जी जी, हम कौन होते हैं रोकने वाले। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तंग नहीं करो प्लीज। आप ही मेरी बात तो, एक मिनट मेरी बात सुने। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें वैसे इतनी परेशान हो और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मजाक कहाँ कर रही हूँ आपी, आप वाकई खुश नहीं है क्या भाई? और क्या चाहिए आपको, अच्छे खासे तो हैं एहतिशाम भाई, उनमें किस चीज की कमी है? अच्छी जॉब करते हैं, खुश शक्ल है, स्मार्ट भी है। और चाची वो कितनी अच्छी है, वरना आपको पता है आजकल सासें कैसी होती हैं, एकदम चुड़ैलों जैसी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। मैं और एहतिशाम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, हम दोनों की तो एक दूसरे से बनती तक नहीं है। वो मुझे क्यों पसंद करेगा? आप ही जाहिर सी बात है, वो आपको पसंद करते हैं ना, तभी तो चची से आपके लिए बात की है, वरना लाखों करोड़ों लड़कियां हैं दुनिया में, उनके लिए ना कह देते। है नहीं, मेरी बात सुने, आपको पता है लड़के कितने अजीब होते हैं, और उनसे ज्यादा अजीब उनकी सोच होती है। कजिन्स और दोस्तें हों तो मयार कुछ और बीवी के लिए कुछ और। आपको पता है आपी, हर मर्द अपनी बीवी की शक्ल में ना आप जैसी लड़की चाहता है, बाहया, सलीका शौहर, बापर्दा और इतनी प्यारी। अब क्या सोच रही है, मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, ताकि मुझे भी शादी में जाने का मौका मिले। क्या बात है, काफी खुश लग रही हो। ऑफ कोर्स खुशी की तो बात है, क्यों आप पे? अरे आप ही कहाँ चली गई? क्या हो गया ऐसे सुबह सुबह? मेरी बहन स्टार्ट हो जाए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, प्लीज। क्या हुआ सर? स्टार्ट नहीं हो रही, दिखाओ।
पेट्रोल डलवाया था? हाँ कल ही डलवाया है। दिखाओ। ऑफिस जा रही हो? जी। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आप छोड़ेंगे? क्यों, मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। देखो आशिक, हम दोनों कजिन्स भी हैं और वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारा और मेरा डबल रिश्ता होने वाला, कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता। हेलो, क्या हुआ? चलो मुझे भी देर हो रही है जी। आ जाओ बाद में देख लेंगे। देखिए ये डील इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डील किसी मामूली कंपनी के साथ नहीं होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म है जिसके साथ हम ये डील बनाएंगे। अगर हमने उन्हें अपने सेट्स परचेज करने पर सेटिस्फाई कर दिया तो मोबाइल कंपनीज में हमारी कंपनी का नाम सबसे ऊपर होगा, दुनिया में नाम होगा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Absolutely, sir. Good. जी मैनेजर साहब, सारी प्रिपरेशन डन है, प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? सर प्रेजेंटेशन मिस्टर ताहिर, दुआ और मिस आयशा दे रहे हैं। मिस आयशा, मैनेजर साहब दुआ की प्रेजेंटेशन से तो मैं सेटिस्फाइड हूं, पर मिस आयशा इस वक्त न्यू है, आप प्लीज किसी और को रेडी करें। सर मिस आयशा ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उनकी प्रेजेंटेशन का डेमो ले चुका हूं। मैंने कह दिया किसी और को कहें, मैं फिर भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने इस पर काफी प्रिपरेशन की है, मैं आपको लेट डाउन नहीं होने दूंगी। मैंने इस सेट की क्वालिटी डिटेल्स पे काफी वर्क किया है। यस सर, एक मसला हो गया। सर वो जो हमने 50,000 फोन रेडी किए थे जो आज हमें मल्टीनेशनल कंपनी को डिलीवर करने थे, वो अगर हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो 10 या 12 घंटे के बाद वो हैंग कर रहा है। व्हाट? Show it to me. With the file. How is it possible? ये चीज पहले क्यों नहीं हाईलाइट की गई? किसी ने सेट्स नहीं देखे थे क्या? सर लेकिन ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। मेरा ख्याल तो यह है कि सर कि अगर हम ये सारे सेट इनको डिलीवर कर देते हैं तो फौरी तौर पर तो इन्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। इन द मीन टाइम हमारे पास टाइम होगा कि हम इसको रेक्टिफाई कर सकें। आप सब लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं ना? जी बाबा, वी आर रेडी। तो चलो बेटा, क्यों किसी को इंतजार करवाए? आशा, अच्छा सब लोग एक चीज को मेक श्योर करें, भाई साहब प्रेजेंटेशन में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। ओके चलिए। सुन ले सदा।